पाठ 7 गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांत की खोज एवं वास्तविकता, कक्षा 8 विषय हिंदी, शिक्षक शशि सर। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांत में बताया गया है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इसकी खोज कब हुई और किस समय में। तो इसका प्रतिपादन सर आइज़क न्यूटन ने किया, इस तरह की मान्यता लोगों की है, जो कि 1687 ईस्वी में किया था। लेकिन इसमें भ्रम है। न्यूटन तो किया, इसके पहले कौन किया, क्या उसके दादा परदादा वगैरह जंगलों में जो भटक रहे थे, कंदराओं में रह रहे थे, क्या उनके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? नहीं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन उससे पहले ऋषि मुनियों ने जो है वह लिपिबद्ध करके इसकी पहचान की और किया। सच्चाई तो यह है कि इसके बाद और वैदिक ग्रंथों में गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझाने के लिए प्राप्त सूत्र मिले हैं, जिसमें दो सूत्र जो है वह सामने आया है। एक तो है ऊर्ध्ववर्ग। इस सिद्धांत में ऊर्ध्ववर्ग में क्या बताया गया है कि पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती नहीं है, जबकि ऊर्ध्ववर्ग में ये बताया गया है कि कोई वस्तु जो है वह ऊपर की ओर जो है वह खींचकर चली जाती है, जैसे आग का ऊपर की ओर जाना। दूसरा भाग है निम्न वर्ग। इसमें ये बताया गया है कि नीचे की ओर खिंचाओ, अर्थात किसी चीज को पृथ्वी जो है वह क्या करती है, नीचे की ओर खींच लेती है, जैसे जल का नीचे की ओर आ जाना, ऐसा बताया गया है। बृहद उपनिषद में इसे निम्नलिखित सूत्र के द्वारा जो है वह समझाया गया है। क्या समझाया गया है इसको देखें हम। सारा संसार अग्नि और सोम का समन्वय है। सारा संसार जो है वह अग्नि और सोम के समन्वय से बना है। अग्नि जिस तरह से ऊपर की ओर जाती है, अर्थात ये ऊर्ध्ववर्ग है, उसी तरह से अधशक्ति में सोम को लिया गया, जो कि ये नीचे की ओर आकर्षण शक्तियां हैं, अर्थात दोनों के समन्वय से ऐसा हुआ है।
आज से 150 ईस्वी पहले महर्षि पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांत का उल्लेख किया है। क्या वह किया है ये जानना हमें जरूरी है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति इस प्रकार की है कि यदि मिट्टी का ढेला ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वहाँ से यदि वह चलता है तो सीधे मार्ग में वह आता है, टेढ़े रूप में नहीं जाता है। और कहाँ आ जाता है? पृथ्वी पर आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी में ये शक्तियाँ है जो कि उसे अपनी ओर जो है वह क्या कर लेती है, खींच लेती है। इसी को भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि में बताया कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है जिसके कारण वह किसी वस्तु को ऊपर नहीं जाने देती, वह उस भारी वस्तु को जो है वह नीचे की ओर खींच लेती है। क्योंकि पृथ्वी स्वयं सूर्य आदि के आकर्षण से रुका हुआ है, इसीलिए यह टिकी है। अतः इसका निराधार आकाश में स्थित है तथा अपने स्थान से हटती नहीं है। वह अपनी धुरी पर, वह अपने अक्ष पर निरंतर वह घूमती रहती है। क्यों? इसलिए कि सूर्य आदि शक्तियों का इस पर प्रभाव है जिसके चलते यह रुकी हुई है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सब लोगों का सूर्य के साथ आकर्षण और सूर्य का लोगों के साथ परमेश्वर का आकर्षण जो है वह है। सब लोग का सूर्य के साथ आकर्षण है और सूर्य का आकर्षण किसके साथ है? भगवान के साथ है। इसमें ईश्वर के रचे आकर्षण में आकाश है, बल, ये इनके बहुत बड़ा गुण माना गया है और उनसे सब लोगों का जो है दिन दिन क्षण क्षण ये सब आकर्षण शक्ति के ही प्रभाव है जिसके चलते प्रकाश इत्यादि होता है, दिन होता है, रात होता है, सब कुछ होता है। इस हेतु से सब लोग अपनी अपनी कक्षा में चलते रहते हैं। सूर्य भी अपनी कक्षा में चलता है जिस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर चलती है। आगे देखें, इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति का खोज न्यूटन ने की है, ये चीज उचित है। हमारे देश की गौरव गाथा जितनी बताई जाए उतनी कम है, पूरी नहीं है। इसलिए संसार ने तो क्या किया है हमारे लिए, परमाणु बम, हवाई जहाज, मिसाइल, हैं इस तरह की जो है वह चीज़ें जो है दी है, जबकि हमारे पूर्वज हजारों हजार वर्ष पहले
इन्हें क्रमशः ब्रह्मास्त्र, परमाणु अस्त्र व पुष्पक विमान के रूप में बना चुके थे, जो कि आज हवाई जहाज इत्यादि को हम समझते हैं। उसी तरह से ये पहले भी ऐसा जो है वह किया गया था। इनका वर्णन हम रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ते हैं और इससे जो है ज्ञान को अर्जित करते हैं। बच्चे, आपका जो है सातवां पाठ जो है समाप्त हुआ। अगले दिन इसका प्रश्नोत्तर कराया जाएगा।